हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लो। क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को, हिंदी व्याकरण की झंडी वाली? बोलिए। अरे यस मैम। मैम क्या करवाऊंगा आप लोगों को, मैम कौन सी बुक? मेरे झड़ने वाली बुक निकाल लो। निकाल लो। तो सच का सामना था, उसका पूरा पाठ हो गया, एक्सरसाइज हो गई थी, बस प्रश्न उत्तर कराना था ना। सभी बच्चे शाम्भवी, अवनीश, अश्नील, आपने एक्सरसाइज किए हो वही वाली कॉपी निकाल लीजिए बाकी, ठीक है? मैम क्या चीज सांभवी नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, माइक में बोलिए। मैम कौन सा पेज, कौन सा चैप्टर निकालना है? अच्छा बेटा ये बताइए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? सांभवी, सांभवी बेटा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस क्या लिखा है बेटा व्हाइट बोर्ड पर, क्या लिखा है? निर्जरी इन पार्ट पश्चन का सम्मान, सम्मान लिखा है कि सच का सामना लिखा है? क्या लिखा है पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? हाँ थोड़ा तेज बोलिए बेटा, सांभवी तेज बोला करो, क्या लिखा है पढ़िए, पाठ का नाम क्या लिखा है? निर्जन क्वेश्चन का सम्मान, लिखा है कि सामना लिखा है बेटा। इतनी बार हमने ये चैप्टर को पढ़ा, सच का सामना में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, सच पार्ट फोर में हमको ये पढ़ना है। आप वही चैप्टर का जब पार्ट का नाम नहीं बोल पा रहे बेटा, चैप्टर कैसे पढ़ोगी ये बताओ सांभवी, जब पार्ट का नाम नहीं बोल पा रही हो बेटा तो पार्ट कैसे पूरा पढ़ोगी? निर्झरणी लिखा है बुक का नाम है, और सच का सामना पाठ जो आपको करवाने जा रहे हैं। अर्पित कुमार, यस मैम, इसमें शब्दार्थ हो गया है, कठिन शब्द हो गया, ये दो चीजें हो गई है ना? यस मैम। फिर उसके बाद दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प और सही का चिन्ह लगाइए, ये भी हो गया है? यस मैम। यस मैम। ठीक, फिर आपको उसके बाद है दिए गए रिक्त स्थान भरिए, ये भी? यस मैम। फिर सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं, ये भी हो गया आपका? यस मैम। फिर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए, ये वाला? यस मैम, ये भी। अब हम लोग को करना है इस्तेमाल ना, जिसके घर पर टीवी ऑन है बंद कर दीजिए या फिर अलग होके पढ़िए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर तो
आपसे पूछा है कि आगे क्या सीखने जा रहे हैं, उसको उत्तर हमें बताना है। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, राम की मृत्यु के बाद उसके परिवार की क्या दशा थी? जब राम मर गया था तो उसके परिवार की क्या दशा थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैम, राम के परिवार की धनियान दशा हो गई थी, धनियाली दशा हो गई थी। सांभवी, आपका उच्चारण इतना गलत है, हमने दैनीय बताया है, दनीय क्या होता है बेटा, हमको समझ में नहीं आता है। ये सब शब्द ऐसे हैं कि हमने बार बार आपको बताया है। दैनीय बोलो, दैनीय। मैम, राम की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में उसके परिवार की महिला बहुत ही दयनीय हो गई है। थोड़ा सांभवी बोलो, पहले दयनीय बोलो। सांभवी बताओ, बोलो। दयनीय। अल्पेश, यस मैम। उसको बताओ क्या बोला जाता है, सांभवी को बताओ कैसे बोला जाता है। दयनीय बोलो। मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसीलिए आप लोग से कहते बेटा, पढ़ने के बाद घर पर एक चैप्टर रीड करो। अर्पित आंसर बताओ क्या है इसका। इसका आंसर क्या है कि रामू की मृत्यु के बाद क्या पूछा गया है, रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार की क्या दशा थी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैम पूरा बताए। हाँ पूरा आंसर, क्यों आधा बताओगी, पूरा आंसर बताओ क्या लिखेंगे। में रामों की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार में खेती करने वाला और कोई नहीं था, अतः उसकी खेती बेकार सही है, उसकी खेती हो गई गई बर्बाद हो गई और उसके परिवार की दशा बहुत दयनीय हो गई। वेरी गुड, यही तक होगा आंसर। यस मैम, यही तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन है आपका, सबको दिख रहा है, लिखोगे किस तरह से, जो बताया अर्पित ने सही बताया, लेकिन हम उसको बना कर लिख रहे हैं। रामू की रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार, यहाँ तक दिख रहा है, उसके परिवार, रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार में खेती करने वाला और कोई नहीं था, और कोई नहीं था, अतः उसकी खेती, अतः उसकी खेती बर्बाद हो गई।
उसकी खेती बर्बाद हो गई और उसके परिवार की दशा बहुत दयनीय हो गई। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक आंसर नंबर वन। क्या वो बेटा समझ लग क्यों हो गए? आंसर नंबर वन लिख लीजिए। अदिति अदिति मौर्य आंचल लिख लिख के बताइए ठीक है अदिति? यस मैम। हो जाएगा तो बता दीजिएगा ठीक है। आंचल अदिति हो जाए आंसर नंबर वन तो बता दीजिएगा, आंसर नंबर टू करवाएंगे। मैम हो गया, रफ करें। यस मैम। आंचल आपका भी हो गया? नो मैम। लिख कर बताइए ठीक है आंचल। हो गया आंचल आपका। चलो रफ करें आंसर नंबर टू करवाएं। आंसर क्वेश्चन टू पूछा गया आपसे अदिति मौर्य। यस मैम। श्यामू ने राधा को क्या आश्वासन दिया? श्यामू ने राधा को धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया। किसके धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया बताओ? बोलो बेटा। यस मैम। किसकी धनराशि देने का आश्वासन दिया? बोल नहीं पा रही हो कि पता नहीं है? मैम श्यामू का। नहीं, धनराशि के आगे क्या लिखी हो तुम? एक शब्द नहीं बोली हो ना, किसकी धनराशि थी वो हम ये पूछ रहे हैं। किस धनराशि की बात कर रहा था? कौन सा पैसा कहाँ पर जमा किया था उसका नाम बताओ। अदिति मैम बी में धनराशि। हाँ, श्यामू ने राधा को बीमे की धनराशि
दिलाने का आश्वासन दिया। ये आपका आंसर नंबर टू। अच्छा ये बताओ अर्ती मौर्य आंचल, आवाज आ रही बच्चों? यस मैम आ रही है। ये बाकी बच्चे लेफ्ट क्यों हो गए? आंसर ना बताना पड़े इसलिए लेफ्ट हुए हैं ना सब? क्यों आदिति? नहीं पता मैम, वजह यही है कि आंसर हम पूछ रहे हैं और आंसर ना बताना पड़े इसलिए सारे बच्चे लेफ्ट हो गए। यस मैम, 10 बच्चे थे, 4 बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया आंसर नंबर टू। यस मैम। आंचल आपका भी हो गया। आंचल हो गया आपका आंसर नंबर टू। मैम आंसर नंबर थ्री है आपका। क्या पूछा गया है प्रश्न? कि श्यामू ने धोखे से प्राप्त धन से क्या क्या खरीदा? आंचल बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंचल श्यामू ने जो धोखे से प्राप्त किया था धन, उससे क्या क्या खरीदा? आंसर नंबर थ्री क्या होगा बोलो? आंचल बताओ, आंचल की बारी है इस बार। अदिति सब आंसर बता रही है, आंचल आप बताइए। बोलो आंचल। जो समझ में आ रहा है बेटा वही आंसर बताओ। तुमको तुम्हारे हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कुछ तो बोलो, जब बोलोगी तभी तो बढ़ोगी आगे। क्या? खेत खरीदा। पूरा आंसर बताइए क्या आंसर होगा, जैसे आदिति ने बताया वैसे बताइए क्या आंसर होगा। बोलो बेटा। चल बहुत टाइम लेती हो तुम, चैप्टर पढ़ी थी अपने से एक बार? चैप्टर पढ़ी थी तब क्यों नहीं बता पा रही हूँ? बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैम नए नए कपड़े। नए नए कपड़े और खिलौना, तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा श्यामू ने धोखे से प्राप्त धन से अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े व खिलौने लाया तथा एक नया खेत खरीदा। याद रखोगा आंसर, ठीक है? लिख लो, लिख कर बताइए दोनों लोग। ठीक है,
अदिति और आंचल लिख लीजिए, बताइए। श्यामु ने क्या किया, धोखे से जो उसको उसने बीमे की जो धनराशि थी वो राधा को ना देकर अपने पास रखा, और उसी धनराशि से उसने क्या किया, उसने धोखे से प्राप्त किया क्योंकि उससे झूठ बोला था कि रामू ने कुछ भी पैसा नहीं जमा किया, लेकिन उसने जमा किया था। तो उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिया, खिलौना खरीदा और एक नया केस लिया। यहाँ तक आंसर लिख लीजिए, आंसर नंबर थर्ड है। अदिति हो गया आपका? यस मैम। रफ करें? यस मैम। आंचल आपका? मैम एक ही लाइन बचा है, लिख कर बताइए। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। आंसर नंबर फोर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे बताना है सर। श्यामू को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ, जो श्यामू था उसे अपनी भूल का एहसास कैसे होता है, आंसर बताओ इसका आंसर। श्यामू को भूल का एहसास कैसे होता है कि उसने गलती की है, उसका बेटा बीमार हो गया। उसका बेटा बीमार हो गया हो, आदिति आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि श्यामू को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। तभी उसने कुछ सोचा और सच का सामना करने के लिए। हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि श्यामू को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ, पहले ये इसका आंसर बताओ। श्यामू कैसे जब उसने लगा कि उसने गलती की है, तो क्या होता? जब वो देखा तो उसके बेटे की हालत, वो उसका बेटा बीमार हो गया था, ऐसे उसे अपने भूल का एहसास हुआ। आंसर नंबर फोर होगा। श्यामू को अपने भूल का एहसास तब हुआ जब उसका बेटा बहुत बीमार हो गया,
और फसल में कीड़ा लग गया। ये होगा आपका आंसर नंबर 4। लिख लीजिए। मैम लिख लिया। आंचल आपका भी हो गया? नो मैम। बेटा बोला करो जैसे अदिति मौर्य बिना बोले बिना पूछे बोलती है, वैसे आप भी बोला करो कि जरूरी है जब हम आपसे पूछेंगे तभी आप बोलोगी। हो जाए करे तो बता दो, ठीक है? हो गया। लास्ट आंसर बताइए। आंचल क्वेश्चन क्या पूछा? हम तुमको क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि श्यामू ने सच का सामना किस प्रकार किया। इसका आंसर क्या होगा? श्यामू ने सच का सामना किस प्रकार किया? मैं बताऊं? नहीं, आंचल से पूछ रहे हैं। आंचल बताइए बेटा, बोलिए आंचल। श्यामू ने सच का सामना किस प्रकार किया? मैम आंचल लेफ्ट हो गई ना, हमें पता था बेटा जिससे प्रश्न पूछेंगे वो लेफ्ट होता जाएगा। चलिए अदिति आप बताइए। तभी उसने कुछ सोचा और सच का सामना करने का निर्णय लिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ राधा के घर गया और राधा ने उसका खुशी से स्वागत किया, लेकिन वह सीधे राधा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा और उसे ऐसे अपने की गलती का एहसास हुआ। इसका आंसर होगा आपका प्रियांशी, अर्पित कुमार। यस मैम। अर्पित बेटा लेफ्ट क्यों हो गए थे? मैम खुद ही हट गया था, ये बार बार लगा रहा था पर तभी नहीं आ रहा था। चलिए प्रियांशी आप बताइए, आप क्यों लेफ्ट हुई थी? प्रियांशी जैसल बेटा माइक ऑन करो, बताओ क्यों लेफ्ट हुई थी? आराश नील आप क्यों हुए थे? देखो बेटा एक बात आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग इस तरह से काम करते हो कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपसे कुछ ऐसी चीज पूछी जाती है कि आप नहीं बताते और आप लेफ्ट हो जाते हो तो बहुत गलत करते हो। नेटवर्क प्रॉब्लम है या कनेक्शन नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इस वजह से हटते तो आप बहुत गलत कर रहे हो, मेरे साथ नहीं अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है? हमारा कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है? जैसे अभी हमने आचर से एक क्वेश्चन किया वो लेफ्ट हो गई, ठीक है? तो गलती मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ोगे तभी सही रहेगा। अभी समय है, पढ़ लीजिए। नहीं आता है पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए, कुछ भी बोलिए गलत सही जो भी समझ में आता कम से कम बोलिए तो आप। तो आंसर नंबर 5 का लास्ट क्या है आपका? 5th हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन? कि श्यामू ने सच का सामना किस प्रकार किया। श्यामू ने कुछ सोचा और सच का सामना और
धोखे से प्रावधान से अच्छा सामना कपड़े का खरीद लिया, निर्णय लिया यहाँ से होगा। बहुत तेजी से दौड़ता हुआ राधा के घर गया। सीधा राधा के और राधा के, अच्छा एक बात बताओ, किसके घर में कंटिन्यू एक बोल रहा है आंचल? कौन है साथ में जो बोल रहा है? बोलो आंचल, कोई पढ़ा रहा है आपको? नहीं। तो कौन बोल रहा है साथ में बेटा? डिस्टर्ब होती है क्लास, इस तरह से मत किया कीजिए, ठीक है? कुछ बात रहा करे तो आप लोग बोल कर हट जाए कीजिए, जो भी है। मैम ये वाला मेरे इरेज मत कीजिएगा, जब मैं कहूंगा तब इरेज कर दीजिएगा, ठीक? तेजी से दौड़ता हुआ राधा के घर गया और सीधा राधा के पैर पे गिर गया, पैरों में गिर पड़ा। जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। फुट फुट कर रोने लगा और फुट फुट कर रोने लगा। रोने लगा उसने अपने द्वारा यहाँ तक दिखेगा, अपने द्वारा की गई सारी बेईमानी राधा को बताई और उससे माफी मांगी और उसको माफी। मैं मेरे में पी लेगा। लिख लीजिए जल्दी से। मैं मुझे जल्दी से माफी, बस बाकी है ओवर हो जाएगा। मैम आप बाद में कीजिएगा। देख लाना सबको। यस मैम। श्यामू ने कुछ सोचा और सच का सामना करने का निर्णय लिया। वहां तेजी से दौड़ता हुआ राधा के घर गया और सीधा राधा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने द्वारा की गई सारी बेईमानी राधा को बताई और उससे माफी मांगी। यहाँ तक लिख लीजिए सभी लोग। हो गया? अभी नहीं मैम, मैं तो अभी तीसरा ही लिख रहा था, चौथा। इसको जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, सबने आप हट जाएगा ये, इसीलिए कह रहे जल्दी करो। आरती आपका हो गया? यस मैम। अचल आपका, अराशनील, प्रियांशी आप लोगों का,
पेज नंबर 22 पर है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। मैम यहाँ पे कहाँ लिखा था? क्या वर्ड पे? मैम यहाँ पे नहीं लिखा नंबर 22 में। क्या नहीं लिखे? नहीं मैम कुछ नहीं। कहाँ तक पहुंचे और पे कहाँ तक हुआ आपका? मैम बस लिख रहे थे थोड़ा और आधा। लिख लो तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और याद भी करते चलिए। चलो ठीक है मैम, अभी नहीं लिख कर बताओ। ओके मैम, अभी रेल मत कीजिए और ना मैम वीडियो भी मत हटाइए। और हट गया तो नहीं नहीं, नहीं जल्दी नहीं लिख पाता। क्यों नहीं लिख पाते? स्पीड बढ़ाओ। मैं स्पीड से जड़ी के प्रैक्टिस करो, एक एक पेज रोज लिखो, प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं होगा? इसमें लाइन खींचना पड़ता है, इंग्लिश में मैं जल्दी लिख लेता हूँ। अच्छा मतलब लाइन खींचने से तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है। ठीक है बिना लाइन के खींच लिखूंगा। लाइन खींच के लिखो। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत बात रहती है पे, तुम बहुत बात करते हो, क्या करो? ओके रोने लगा। बस एक मिनट है। ओके मैम कुछ करता हूँ जल्दी से। बंद करने जा रहे हैं। अभी एक मिनट पूरा नहीं हुआ। मैम ये लास्ट में क्या लिखा है? कहाँ पर? ये डैड उसने अपने द्वारा की गई सारी बेईमानी राधा को बताई और उससे माफी मांगी। मैम बोलो दिखाई नहीं दे रही। नहीं आएगा क्या? यूट्यूब पर देख लेना। मैं भी नहीं, बस थोड़ा सा और बचा है। नहीं दिखाई दे। हाँ देखो बेटा हो जाएगा। संक्षेप में पेज नंबर ये दिख रहा है आपको 22 पर लास्ट वाला है, दिख रहा है ये यहाँ पर दिया गया है। मैम हटाइए इसे। चलिए मैम अभी नहीं, चलिए कहाँ चलिए अभी। मुझे जल्दी जल्दी लिखना है, वैसे भी मेरा इतना टाइम वेस्ट बेकार हो गया। हम जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं पेज। अभी नहीं। बाय बच्चों। बाय। नहीं ठीक है मैम, बाय बाय बाय।